इनके लब रंगी मिठावर के जिसने। अस्सलामु अलैकुम हजरत, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। हज़रत, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई लड़का कुरान हिफ्स करता हो और दरमियान में वो पढ़ाई छोड़ दे और उसके बाद जो जितना भी कुरान याद किया अगर वो भूल जाए, तो क्या उस लड़के के साथ में हम अपने घर की किसी भी लड़की का निकाह कर सकते हैं? इसके लिए ज़रूर बताएं हज़रत। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर कोई शख्स कुरान हिफ्ज करके उसने बीच में छोड़ दिया और जितने पारे हिफ्ज हैं अगर वो उसको भी भूल गया है, तो ये उसका ज़ाती गुनाह है। क़यामत में वो अकेला गुनाहगार होगा और उसको यानी उसके साथ रिश्ता करना घर में किसी भी खातून का जिससे उसका निकाह जायज़ है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। यानी निकाह करेंगे तो शादी हो जाएगी, शादी में इससे या निकाह पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। दूसरी बात यह कि अगर किसी ने कुरान पाक हिफ्ज़ करना शुरू किया और वो मुकम्मल नहीं कर पाया और किसी वजह से उसने बीच में पढ़ाई छोड़ दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पारे हिफ्ज़ हैं उसे भी रिवाइज़ ना किए जाएं, बल्कि जितना उसे हिफ्ज़ था, चाहे एक पारा हो या 10 पारे हों, उनको वो बार बार रिपीट करे। चाहे मुकम्मल वो अपनी ज़िंदगी में पूरा हिफ्ज़ ना कर पाए तो उसका कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन जितने पारे हिफ्ज़ हैं उसको भी अगर भूल गया तो ज़रूर गुनाहगार होगा। तो उसको चाहिए उसको ये ताकीद करें, समझाएँ, निकाह तो अभी हुआ नहीं है, अगर बात ही चल रही है तो उसको ये समझाना सिखाना चाहिए कि आपने जो पारे हिफ्ज़ करे हैं, टाइम निकाल के उसको रोज़ डेली 15 मिनट या 20 मिनट तक उसको आप वापस रिवाइज़ करें, आगे मुकम्मल कुरान पाक पूरा करें या ना करें, मगर जितने हो चुके हैं उसको कम से कम अच्छी तरह से याद रखें, बार बार दोहराते रहें ताकि वो अच्छे से हिफ्ज़ हो जाएँ, अच्छे से पक्के हो जाएँ। तो इसकी उनको ताकीद करनी चाहिए और निकाह भी करना चाहें तो कर सकते हैं। पुरानी बात।